हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाता हूँ एक अच्छी सी ट्रिक गूगल मैप्स पे कि आपको अगर तीन लोकेशन चेक करनी है, तीन या चार या पांच लोकेशन चेक करनी है गूगल मैप्स पे, तो आप एक ही स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो मेरे को जाना है विवेकानंद स्कूल, डायरेक्शंस पे क्लिक करता हूँ मैं स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ अपना। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा है संघ भवन, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। मेरे को संघ भवन से विवेकानंद स्कूल जाना है, 4.9 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। अब मेरे को एक और पॉइंट जाना है, मान लो मेरे को ISBT जाना है, एड स्टॉप। इस तीन पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे, तीन बिंदु पे एक लिस्ट खुल जाएगी, एड स्टॉप पर क्लिक करना है। एड स्टॉप पर मैं टच करूँगा। अब देखिए, मान लो मेरे को जाना है दीपक नेगी के रूम, मेरे को घंटाघर जाना है, घंटाघर पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ये घंटाघर पर देखिए आप, ये फ्रेंड्स, ये ए और ये बी दो स्टॉप आ गए, है ना। तो आप देख लिया आपने, दोनों स्टॉप आपको दो डायरेक्शन दिख रही हैं एक ही मैप पे। तो अगर आप मैप ऐसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मान लो मेरे को अब घंटाघर नहीं जाना है, मैं घंटाघर क्लोज़ कर देता हूँ। मेरे को अपने फ्रेंड के रूम पे जाना है, तो मैं दीपक नेगी का रूम, जो मैंने पहले से लेबल सेव कर रखा है, दीपक नेगी का रूम जाना है मेरे को। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको दो लोकेशन आ गई, ए और बी। अब मेरे को अगर मैप स्टार्ट करना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, संघ भवन से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। ए पहला पॉइंट विवेकानंद, दूसरा पॉइंट है दीपक नेगी का रूम, ये प्रायोरिटीज़ है। फिनिश कर दिया मैंने, ये देखिए संघ भवन मेरा टॉप पे। देखिए आप, संघ भवन से जर्नी स्टार्ट होगी, विवेकानंद पहले जाएंगे हम लोग, फिर दीपक नेगी। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू दबा दूँगा, तो अगर आप ये गाड़ी पे मोबाइल लॉक कर देंगे तो आप अपना, ये देखिए रूट इसने स्टार्ट कर दिया है ट्रैवल। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा ये आपको पहले विवेकानंद स्कूल ले जाएगा, फिर दीपक नेगी, ठीक है। तो आप ऐसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपना गूगल मैप। थैंक यू फ्रेंड्स।